अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख 9 जमादी अव्वल नंबर 1 ओस व अखराज में मोहब्बत और यहूदियों की दुश्मनी। मदीना तैयबा में मुख्तलिफ कबीले आबाद थे, उनमें मुशरिकों के 2 कबीले ओस व अखराज थे। उनके अक्सर अफराद इस्लाम में दाखिल हो गए थे। इस्लाम से पहले उन दोनों कबीलों में हमेशा लड़ाई रहा करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर ईमान कबूल करने की वजह से दोनों कबीलों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई और एक दूसरे के भाई बन गए। इसी तरह यहूदियों के 3 कबीले बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कुनैन आबाद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पहुँचे तो यहूदियों के मजहबी हकूक की हिफाजत और मुसलमानों के दीन की दावत वो इशाअत के पेश नज़र से चंद शर्तों पर मुहायदा कर लिया। यहूदी इसके बावजूद इस्लाम और मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर हसद करने लगे और अंदर ही अंदर इस्लाम के खिलाफ साजिश करने लगे। जब उनकी नफरत व दावत और बदहदी हद से बढ़ गई तो उनको अपनी शरारत और साजिशों की सजा भुगतनी पड़ी। नंबर 2 अल्लाह की कुदरत। जमीन का अजीब फर्श। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने जमीन को फर्श बनाया और हम कैसे अच्छे बिछाने वाले हैं। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने जमीन का कैसा अच्छा बिस्तर बिछाया है जिस पर हम आराम करते हैं। इस बिस्तर के बगैर हमारे लिए रहना दुश्वार था। फिर हमारे लिए जिंदगी की तमाम जरूरियात, खाने पीने, अनाज, गल्ले और मोतियों के लिए जमीन को खजाना बनाया। फिर सर्दी गर्मी से हिफाजत भी जमीन पर रहकर कर सकते हैं और बदबूदार चीजों और मुर्दार जिनकी बदबू से हमको सख्त तकलीफ होती है, ऐसी चीजों को हम जमीन में दफन करके खराब हवा के असर से महफूज हो जाते हैं। बिलाशुबा इतना लंबा चौड़ा जमीन का बिस्तर इसी हकीम मुतलक की कारागरी है। नंबर 3 एक फर्ज के बारे में। नमाज के लिए मस्जिद जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स अच्छी तरह मुकम्मल वजू करता है फिर नमाज ही के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से ऐसा खुश होता है जैसे कि किसी दूर गए हुए रिश्तेदार के अचानक आ जाने से उसके घर वाले खुश होते हैं। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में। दुआ के कलिमात को 3 बार कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ व इस्तग़फार के कलिमात को 3-3 मरतबा दोहराना पसंद फरमाते थे। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत। शर्म व हया ईमान का जुज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 60 से ऊपर या 70 से कुछ ज्यादा शुबे हैं। सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है और सबसे कम दर्जा रास्ते से तकलीफदार चीज का हटा देना है और शर्म व हया ईमान का हिस्सा है। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में। गुनाह से ना रोकने का वबाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ऐसे लोगों के दरमियान रहकर गुनाह के काम करता हो कि वो उसको रोकने पर कादिर हो मगर फिर भी ना रोके तो अल्लाह ताला मरने से पहले उनको भी उस गुनाह के अजाब में मुब्तला कर देगा। नंबर 7 दुनिया के बारे में। सबसे बड़ा तकवे वाला कौन है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, लोगों में सबसे बड़ा जाहिद कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो कब्र और उसकी बोसीदगी को ना भूले और दुनिया की ज़रूरत से ज़्यादा जेब व जीनत को छोड़ दे, बाकी रहने वाली आखरत को फना हो जाने वाली दुनिया पर तरजीह दे, आने वाले कल को अपनी ज़िंदगी का दिन शुमार करे और अपने आप को मुर्दों की फहरिश्त में शुमार करे, वो ये सबसे बड़ा जाहिद है। नंबर 8 आखरत के बारे में। अहले ईमान का बदला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन अहले ईमान और नेक अमल करने वालों का बदला उनके रब के पास ऐसे हमेशा रहने वाले बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, ये लोग उनमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह ताला उनसे राजी और वो अल्लाह से खुश होंगे। और ये बदला हर उस शख्स के लिए है जो अपने रब से डरता है। नंबर 9 तिब्बे नवीज इलाज, नींद ना आने का इलाज। हजरत खालिद बिन वलीद
مخزومی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو یہ کہہ لیا کرو۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے، اور جس کے کام بنانے والا اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زمان ملک کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔